दादी सेविका अरुणा दीदी के सानिध्य में मंगलवार यानी 27 अगस्त को नारायणी दादी सेवा संघ का 12वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। माँ रानी सती का दरबार 125,000 लड्डुओं से सजेगा और 1300 से अधिक महिलाएं कलश यात्रा निकालेंगी। साथ ही आपको बता दें कि संघ ने 13,000 पीपल के वृक्ष लगाने का भी संकल्प लिया है, जिसमें वे अब तक 7,000 पीपल के वृक्ष लगा चुकी है। अरुणा दीदी और संघ से जुड़े भक्तों ने वार्षिकोत्सव का पोस्टर भी जारी किया। इसी बात को लेकर जनता दरबार ने अरुणा दीदी से खास बातचीत की है, आइए आपको भी सुनाते हैं। नारायणी दादी सेवा संघ से अरुणा दीदी इस समय हमारे साथ में खड़ी हैं। अरुणा जी, 27 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या क्या उसके अंदर होगा? जय दादी की। सबसे पहले सभी को, उसमें सुबह जो यात्रा निकलेगी 7 बजे, उसमें 1300 महिलाएं कलश लेके जाएंगी। उसके बाद अखंड मंगल पाठ है, दुर्गा जी का जो अवतार लेने की है वो है, लड्डुओं का भोग लगेगी काफी संख्या में। इस तरह के छोटे छोटे से प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं इसमें, तो माँ से प्रार्थना है कि सब लोग आए, वो अपना आशीर्वाद प्राप्त करके जाए। वैसे तो पूरी तरीके से धर्म कर्म का काम है, लेकिन कोई विशेष उद्देश्य इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे? देखिए, जो माँ को नहीं जानते हैं, कलयुग में अवतार लिए है, तो मैं जानती हूँ, चाहती हूँ कि जिस तरह बाबा को जानते हैं, इस तरह माँ को भी सब जाने। कब से आप माँ की सेवा में हैं? मैं 26 सालों से हूँ। एक आकर्षक चीज ये जो पोस्टर प्रोग्राम का लगा हुआ है, धर्म कर्म की सारी बात है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ कोच, इससे क्या मतलब है? मैं काउंसलिंग करती हूँ, जिस तरह बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या पति पत्नी की समस्या है, या व्यापार की है, तो उस भगवती की ऐसी कृपा है कि उनको जो काउंसलिंग करती हूँ तो 100% मुझे लगता है अंदर से कॉन्फिडेंस कि वो सही होकर ही जाएगा, और होता भी है। कलयुग में जैसे बाबा श्याम को श्री कृष्ण जी का अवतार माना गया है, वैसे ही आप नारायणी दादी सेवा संघ के उसके अंदर राधा रानी का, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो, या दुर्गा जी, पार्वती जी का स्वरूप है। बिल्कुल, सत्य बिना शिव के अधूरी है, शिव ही शक्ति है और शक्ति ही सती है। ये थे हमारे साथ अरुणा जी, और आगामी 27 तारीख को एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर नारायणी दादी सेवा संघ के बैनर तले कलश यात्रा का आयोजन होगा। एक धार्मिक कार्यक्रम है जिसमें सभी लोगों को पधारने का अरुणा दीदी ने आग्रह किया है, और जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से कलयुग में श्याम बाबा का गुणगान है, उसी प्रकार से अरुणा जी चाहती हैं कि नारायणी दादी सेवा संघ के तहत नारायणी यानी कि जो दुर्गा पार्वती की जो अवतार है, उनको भी लोग जाने, उन्हें भी लोग समझें। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।